आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो अगर आप लोग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको कैसे फोलियो क्रिएट करना है और उसके साथ ही साथ आपको SIP कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में आईसीआईसीआई प्रूफ जो म्यूचुअल फंड आप है उसका थ्रू अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप लोग अभी तक उस ऐप को डाउनलोड किए नहीं हो तो आपका जो प्ले स्टोर है उस प्ले स्टोर का आप लोग यहाँ पे खोल दीजिए। यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिए आई प्रूव टॉक्स या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन। अगर आप लोग सर्च करते हो तभी भी ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला है आई प्रूव टॉक्स MFSIP सेव टैक्स, ये वाला जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। अगर आप लोग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते हो तो आप लोग को ये जो एप्लीकेशन है आपको दिखाएगा डाउनलोड करने के। तो चलिए उसको मैं फटाफट डाउनलोड कर देता हूँ। तो चलिए ये मेरा एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो चुका है, अभी उसको ओपन करके देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए ये वाला जो एप्लीकेशन है जो आई प्रूव टॉच है उसके ऊपर मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अलाउ पूछेगा, उसको अलाउ कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा था कि रजिस्टर आज, जो रजिस्टर आज है उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर, आपको यहाँ पे इन्वेस्टर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो नेम है पैन कार्ड के हिसाब से जो नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो मेल आईडी है उसको एंटर कर दीजिए, आपका जो फोन नंबर है उसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो सिटी है सिटी को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। सारी चीजें आप लोग यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे जो रजिस्टर है रजिस्टर के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को देखे रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका ये जो आईसीआईसीआई प्रूफ एप्लीकेशन आपका रेडी हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको पूछ रहा है यहाँ पे लॉग इन पूछ रहा है और न्यू इन्वेस्टर पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी आप एक कस्टमर हो या ऑलरेडी आप लोग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो आप लोग यहाँ पे जो लॉग इन है लॉग इन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप लोग अभी तक आपका जो यूजर नेम पासवर्ड अभी तक क्रिएट किए नहीं हो तो यहाँ पे जो नीचे है क्रिएट लॉग इन है आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके आपका फोलियो नंबर देकर आप लोग यहाँ पे लॉग इन आईडी और पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग न्यू हो और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड आपका कोई भी अकाउंट नहीं है या आपका आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड आपका कोई भी फोलियो नहीं है तो आपको क्या करना है, जो नीचे है न्यू इन्वेस्टर है आपको न्यू इन्वेस्टर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है आई एम नॉट ए यूएसए और कनाडा पर्सन, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेसिडेंट इंडिविजुअल आपको यहाँ पे येस करना है। टैक्स स्टेटस आपको यहाँ पे इंडिविजुअल करना है। उसके बाद आपका जो नेम है नेम आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। आपका जो पैन कार्ड है पैन कार्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पे जो चेक है राइट साइड में उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखा रहा है KYC स्टार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा ऑलरेडी KYC हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक KYC किए नहीं हो तो आपको यहाँ पे KYC करने के लिए ऑप्शन देगा, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके KYC कर सकते हो। तो अगर ऑलरेडी आपका KYC है तो आपको क्या करना है, नीचे जो नेक्स्ट है नेक्स्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो जनरेटेड ओटीपी है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर को ओटीपी जाएगा उसको देके नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपका मेल आईडी पूछ रहा है, आपका मेल आईडी दे दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे है, उसके बाद वेरीफाई जो है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे जो चेकबॉक्स थे उसको टिक मार दीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे नॉमिनी डिटेल्स पूछ रहे। अगर आप लोग चाहते हो आपका जो अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो यहाँ पे जो ऊपर दिया चेकबॉक्स है आई हर बाई डो नॉट विश टू नॉमिनेट उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हो नॉमिनी ऐड ना करने के लिए उसका ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे इसको क्लिक करके नेक्स्ट मारिए। अगर आप लोग चाहते हो नॉमिनी ऐड करने के लिए तो आप लोग जिसको नॉमिनी यहाँ पे रखना चाहते हो उसका नेम और एड्रेस वहाँ पे डाल दीजिए, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है ये सारी चीजें डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे स्टार्ट इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट SIP। तो मैं चाहता हूँ कि एक SIP स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट SIP है उसका ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका जो सेविंग अकाउंट आ जाएगा। सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपका अकाउंट किस टाइप का सेविंग है करेंट है जो अकाउंट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है आप अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको दे रहा है IFSC कोड है, IFSC कोड एंटर करने के बाद जो चेक दिया है चेक का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा बैंक है कौन सा ब्रांच है सारे डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, ये सारी चीजें आप लोग चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कन्फर्मेशन डिटेल आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नीचे आ जाए, उसके बाद जो कन्फर्म है कन्फर्म के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे तीन टाइप का SIP दे रहा है, एक हो गया SIP हो गया, एक हो गया फ्रीडम SIP
और एक है बूस्टर राइट साइड। आप लोग यहाँ पे जो राइट साइड में जो आई बटन दिया है उसका पर अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके बारे में आप लोग डिटेल जान सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो SIP है नॉर्मल SIP मैं चाहता हूँ नॉर्मल SIP की मैं यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे जो SIP है SIP के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे सिलेक्ट ब्रोकर डिटेल्स, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक हो गया डायरेक्ट हो गया और एक हो गया थ्रू ब्रोकर हो गया। तो दोस्तों आप लोग हमेशा एक चीज आप लोग नोट डाउन कीजिए, कभी भी अगर आप लोग SIP करते हो तो हमेशा आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई भी आपको ब्रोकर चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ रहा है, देखिए स्कीम टाइप है, उस स्कीम टाइप के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारा स्कीम है, इक्विटी डेप्ट है, तो आपको जो टाइप का स्कीम चाहिए आप लोग उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इक्विटी को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ रहा जो स्कीम यार है, स्कीम के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारा स्कीम यहाँ पे शो करेगा। अगर मान लीजिए कोई फंड में अगर आप लोग चाहते हो कि ICICI फंड में आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं करे, तो आपको जो टाइप ऑफ फंड दिया है इक्विटी डेप्ट आप लोग उसको चेंज करके देखिए, वो फंड आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ICICI प्रूडेंशियल का एक स्मॉल कैप फंड है उसको मैं चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, जो टाइप ऑफ फंड है उसको पहले मैं इक्विटी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो स्कीम दिया है, यहाँ पे जो ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आ रहा है क्यूमुलेटिव आ रहा है, उसको आप लोग क्यूमुलेटिव रहने दीजिए। उसके बाद SIP फ्रीक्वेंसी आपका मंथली रहेगा। उसके बाद जो स्टार्ट SIP डेट आप लोग कब से चाहते हो SIP स्टार्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे डेट सिलेक्ट कीजिए। तो नॉर्मली आप लोगों जिस दिन से SIP स्टार्ट करेगा, अगर आप लोग बिलर का थ्रू रजिस्ट्रेशन करके SIP स्टार्ट करते हो तो आपको जो मिनिमम 15 दिन का बाद आप लोग SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग OTM का थ्रू SIP स्टार्ट करते हो आपको 7 दिन के अंदर में आप लोग SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो जो अर्लीस्ट जो डेट दिखा रहा है मेरे को 21 मई दिखा रहा है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है एंड डेट दिखा रहे, तो आप लोग जो एंड डेट जितना साल तक आप लोग चाहते हो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग उस एंड डेट को आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। तो आप लोग चाहे तो 10 साल, 5 साल या 15 साल, 50 साल आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कभी भी चाहते हो तो आप लोग उसको कैंसिल भी कर सकते हो, इसीलिए आप डरना नहीं। तो यहाँ पे मैं 2060 तक इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको पूछ रहे SIP अमाउंट पूछ रहे, तो आपका जितना अमाउंट चाहते हो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक टॉपअप डिटेल्स दिखा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो टॉपअप करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। तो ICICI म्यूचुअल फंड आपको टॉपअप कैसे करना है इसके बारे में आप लोग डिटेल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको नॉर्मल SIP करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉपअप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो ऐड मोर स्कीम है यहाँ पे मैं कुछ नहीं ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन है उसका आप लोग यहाँ पे टिक मार दीजिए। उसके बाद जो नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू विदाउट टॉपअप है यहाँ पे, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोट आ जाएगा, उसको आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद ओके के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फोलियो नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फोलियो नंबर शो कर रहा है, मेरे यहाँ पे डिटेल में चेक कर लेता हूँ। नीचे आपको आ रहा है कन्फर्म आ रहा है, कन्फर्म के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको SIP आ जाएगा, आपका SIP यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है आपका। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ICICI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, अमाउंट 500 है और ट्रांजेक्शन ID सारी चीजें आपको यहाँ पे आ रहा है। और आपको यहाँ पे भी बिलर डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। उस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आप लोग SIP में अभी जो बैंक अकाउंट ऐड किए हो उसी बैंक में जाके आप लोग ऑनलाइन में जो बिलर दिया है बिलर सेक्शन में आप लोग जाके उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप लोग SBI बैंक हो गया या HDFC बैंक में आपको कैसे बिलर ऐड करना है इसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को देख के कोई भी बिलर को आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग को ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल के थ्रू भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद यहाँ पे नीचे जो ओके है ओके के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है लॉगिन डिटेल पूछ रहा है, तो आपका एक यूजर नेम आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। आपको यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन दिया है, सारी चीजें आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है जिसका मिनिमम लेंथ 613 है, एक पासवर्ड सेट कीजिए। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद सेंड OTP के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर का एक OTP आएगा, उसको देख के नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते टर्म एंड कंडीशन आ रहा है, तो नीचे आके उसके बाद जो एक्सेप्ट है एक्सेप्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम आ जाएगा और आपका जो यूजर नेम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में कोई भी आपको एरर मिल रहा है या लास्ट स्टेज में आप लोग आते हैं और आपको कोई भी एरर आता है, आप लोग लॉग इन करने के लिए अनेबल होते हो, तो आप लोग वेट कर दीजिए 2 से 3 दिन आप लोग वेट कर दीजिए। आपको एक बार फुल नंबर मिलने के बाद आप लोग आसानी से यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं ओके मारने के बाद यहाँ पे आ रहा है लॉग इन आ रहा है, तो लॉग इन के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपका जो SIP रजिस्ट्रेशन किया और आपका जो यूजर नेम है आपको मेल के थ्रू भी मिल जाएगा। अगर आप लोग आपका मेल चेक करते हो लॉग इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर नेम होगा यूजर नेम एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो पासवर्ड आप लोग अभी सेट किए थे उसको एंटर करने के बाद लॉग इन के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 4 डिजिट पिन आपको सेट करने के लिए फास्टर एक्सेस करने के लिए,
तो यहाँ पे आप लोग एक 4 डिजिट का पिन सेट कर लीजिए, उस 4 डिजिट पिन को आप लोग को दोबारा एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको जो डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, आपका कौन सा नेम यहाँ पे शो करे, आप लोग को कोई भी एक नेम यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आईसीआईसीआई, आप लोग यहाँ पे आपका नेम भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद डॉन का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एनेबल फिंगरप्रिंट, अगर आपको फिंगरप्रिंट चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट योर प्रीफर्ड कॉन्टैक्ट फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, चाहे मोबाइल नंबर हो या मेल आईडी, आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए। करने के बाद जनरेट ओटीपी का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका मोबाइल नंबर के ओटीपी जाएगा उसको देकर वेरीफाई ओटीपी का ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसके बाद आप लोग का डैशबोर्ड में आप लोग को इस तरह से दिखाएगा। अगर आप लोग माई पोर्टफोलियो का ऊपर क्लिक करता हो, अगर आप लोग न्यू इन्वेस्टर हो तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। आप लोग का फोलियो आपको 2 दिन का या 3 दिन के बाद आपका फोलियो यहाँ पे आप लोग को शो करेगा। अगर आप लोग ट्रांजैक्ट का ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका फोलियो आ जाएगा, आपका मेल आईडी आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। नीचे आपका आ रहा है परचेज SIP स्विच, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे SIP के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ पे दिखाएगा आपका कौन कौन सा SIP चल रहा है, या आपको स्टार्ट करना है या रिन्यू करना है या आपको मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको SIP सेक्शन में आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नीचे आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर आप लोग का कुछ स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन किए हो या जैसे परचेज हो गया या सेल हो गया तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में शो करेगा। नीचे आपको क्या दे रहा है, देखिए मैनेज अकाउंट दे रहे हैं। अगर आप लोग मैनेज अकाउंट का ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग अगर मल्टीपल फोलियो है ICICI म्यूचुअल फंड का, आप लोग यहाँ पे उसका ऐड कर सकते हो, या आपका जो बैंक मैंडेट है आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग का कोई भी डाउट है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ICICI म्यूचुअल फंड में iProtas एप्लीकेशन की यूज करके आप लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर आप लोग SIP क्रिएशन तक ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।